छह कुत्ते हैं छोटे छोटे, तो उन्हें कोई डब्बे में रख के गया है, तो अभी उनके लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं है। नमस्ते अम्मा जी। ये देखिए दोस्तों, ये हैं छोटे छोटे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। तो ये देखिए, ये है भाई पापड़ी, ये पापड़ी आ गई, इसमें धनिया है, ये सेब आ गई। तो दोस्तों ये है जसिमपुर का नोन, और ये अभी तो इतना साफ नहीं है बट। और ये देखिए यहाँ पर है जैकू, कितना क्यूट है। हेलो गाइस, तो दोस्तों फाइनली मेरे पेपर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, मतलब ख़त्म हो गए हैं, और सारी टेंशन जो है वो ख़त्म हो ही गई हैं फिलहाल। तो अभी आज जा रहे हैं हम पेपर के बाद कॉलेज अभी, और मैं आया था अपने सौरभ भाई के घर। हेलो हेलो, तो दोस्तों अभी हम यहाँ से जाएंगे सीधे कॉलेज, और चलिए फिर कॉलेज में बताते हैं आपको। और बहुत ही अच्छे हुए हैं पेपर तो हमारे, आपके अच्छे हुए जैसे मेरे हुए वैसे इसके। तो गाइस यार अभी हम पहुंच चुके हैं जसिमपुर में, और यहाँ पर जसिमपुर में यार ना यहाँ पे पांच छह कुत्ते हैं छोटे छोटे, तो उन्हें कोई डब्बे में रख के गया है, तो अभी उनके लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं है। नमस्ते अम्मा जी। तो अभी हम अम्मा जी से ना दूध ले लेते हैं, ठीक है। हाँ कटोर वगैरह नहीं। दोस्तों अभी हमारे पास ना कोई भी बाउल वगैरह नहीं है, तो ये डब्बा ले लिए, इसको यहाँ से हम काट देंगे और बाउल की तरह यूज कर लेंगे, और दूध तो हम यहाँ से ले लेंगे। तो दोस्तों अभी हमने दूध की थैली ले ली है, और ये देखिए ये है वो, क्या करना। हाँ जी कोई नहीं अमरी, नहीं रहने दो कोई नहीं, मैं पान देना जितना पी देना फिर यहाँ थोल देंगे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये हैं छोटे छोटे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, छह हैं ये पूरे। ये देखिए ये भी हैं अंदर छोटे से, कितने क्यूट हैं यार, कोई इसको इनको ना ऐसे छोड़ गया यार। अभी सभी तंदुरुस्त हो गए हैं दूध पी के, इसने पी लिया, सभी ने पी लिया, और इनमें से कई की ना आंखें भी नहीं खुली हैं अभी। तो अभी उन कुत्तों को ना दूध वगैरह पिला दिया है, और अभी हम जा रहे हैं ऊपर। यह है पीछे मेरे जसिमपुर का नोन, यहाँ पे पानी का यह बहुत ही बड़ा स्रोत है जसिमपुर के लिए, क्योंकि यह बहुत ही मतलब पानी का एक बहुत ही बड़ा तालाब टाइप आप बोल सकते हैं, और यहाँ पे लोग नहाते भी हैं गर्मी के टाइम, बट सर्दियों के टाइम भी अभी यहाँ पे नहाना बंद नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ से एक रास्ता है आगे के लिए, बहुत ही प्यारा रास्ता है, आगे से व्यू देखिए आप, कितना प्यारा व्यू आ रहा है, और मैं तो फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ इस रास्ते से। आप आए पहले? नहीं नहीं आया। और ये देखिए सामने ब्यास नदी का व्यू, कितना मस्त व्यू है। तो दोस्तों ये है जसिमपुर का नोन, और ये अभी तो इतना साफ नहीं है बट इसे बिल्कुल साफ़ किया जाता है गर्मी में, और इसका पानी जो है वो यूज़ भी लिया जाता है पीने में भी। और यहाँ पे धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होती है ना, ये देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। अभी हम नॉन से आ गए हैं और ग्राउंड में बैठे थे थोड़ी देर, और अभी हमें जाना है घर, लेकिन घर जाने से पहले यार बहुत ज़्यादा बहुत ज़ोर से भूख लगी है, और पहले तो हमने एक चाट पपड़ी खा ली है, बहुत ही टेस्टी थी। और यहाँ पर है हमारे भाई, हेलो। तो इनके ये यहाँ पर ये रेडी है, ये देखिए ये है गवर्नमेंट स्कूल जसिमपुर, और ये साथ में ये भाई बालाजी चाट भंडार। तो अभी नए आए हैं भाई यहाँ पे, कितना टाइम हुआ आपको? एक महीना हो गया। तो अभी हमारे लिए ना भेलपूरी लगा दो, चाट पापड़ी तो आप बहुत ही अच्छे बनाते हो, भेलपूरी लगा दो। तो अभी पहले आ गए इसमें ये क्या है, भेल फुल्लियाँ। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, प्याज आ गया। हाँ जी, आलू आ गए। आलू आ गए, चने आ गए। ये चने आ गए हैं, टमाटर आ गया। ये देखिए अभी टमाटर आएगा पूरा। तो ये देखिए ये है भाई पापड़ी, ये पापड़ी आ गई, इसमें धनिया है, ये सेब आ गई, और ये भाई के जाएंगे अभी मसाले। हरी चटनी आ गई, ये हरी चटनी है, ये कितने पुदीने की बनी, पुदीना धनिया सब मिक्स है। अच्छा अच्छा, और ये आ गई मीठी चटनी, ये आ गई गुड़ की चटनी, गुड़ की है ये।
अभी इसको मिलाएंगे। नींबू आ गया इसमें भी। ये देखिए यहाँ पर आ गई है भेल। इसके ऊपर भी आएगा अभी कुछ। अभी इसके ऊपर आ गया है प्याज और ये पपड़ी। सेब भी है इसके ऊपर और धनिया। हो गया। अभी यहाँ पे हमारी भेल लग चुकी है और जसिमपुर में ये फर्स्ट टाइम ही है। भेल पूरी वगैरह अभी फर्स्ट टाइम ही बन रही है। भाई लेके आए हैं, ऐसे तो यहाँ पे बर्गर ही चलता था, तो काफ़ी अभी टेस्ट करके देख रहे हैं कैसी है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आ गई है हमारी भेल और अभी भाई खा रहे हैं। कैसी है? टेस्टी है। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे खा ली है भेल पूरी। चलो ठीक है भाई। और ये है जसिमपुर का गवर्नमेंट स्कूल, तो इससे बाहर है भाई की रेडी। अगर आप जसिमपुर आ रहे हो तो यार बालाजी चाट भंडार जरूर खाना, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। कुछ भी है, भेल पूरी, चाट पपड़ी, गोलगप्पे, सब कुछ टेस्टी होता है भाई का। तो दोस्तों ये देखिए अभी इन कुत्तों में से ना एक को ले गए हैं और अभी पांच ही बचे हैं। बहुत ही अच्छा किया जो भी इनमें से एक को ले गया है। तो अगर आप भी यहीं के लोकल हैं जसिमपुर के, तो यार जरूर एक को तो ले ही जाइए। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही क्यूट हैं और पल भी जाएंगे, बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी हम चलते हैं घर। तो दोस्तों अभी शाम हो गई है और मैं आ गया हूँ फिर से भाई के घर और अभी हम जा रहे हैं अपने घर और आज भाई जा रहे हैं मेरे घर। क्या? और ये देखिए यहाँ पर है जैकू, कितना क्यूट है। ये भी छोटे छोटे देने वाले थे इसको बट अभी नहीं देंगे। हाँ तो भाई आपका है। तो चलिए अभी चलते हैं। बाय जैकू, बाय। तो दोस्तों अभी हम घर से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं, आपको एक ऐसा व्यू दिखाएंगे ना कितना मस्त है कि मैं उस टाइम मतलब रात को आया था वहाँ पे, तब भी इतना अच्छा व्यू आ रहा था। और अभी तो थोड़ी शाम ही है और सामने का सनसेट तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो अभी चलते हैं। दोस्तों ये देखिए सामने का व्यू, यार कितना ऑसम व्यू है। और ये देखिए सामने है ये ब्यास रिवर और खुला आसमान और वहाँ पे हो रहा है सनसेट, तो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा व्यू है। तभी हम घर जा रहे थे और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर और कुत्ते मिल गए हमें छोटे छोटे, ये देखिए कितने प्यारे हैं। जैसे आज के इस ब्लॉग में इतना ही, आज के ब्लॉग को करते हैं एंड। और ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद आया है, उसकी वजह आपको पता है और मैंने बताया भी था कि मेरे जो है वो मिड टर्म के एग्ज़ाम चले थे कॉलेज के, तो इसलिए ब्लॉग जो वो नहीं आए थे 7-8 दिन, तो उसके लिए सॉरी, तो उसके लिए सॉरी। और अभी जो वो रेगुलर ब्लॉग आएंगे तो चैनल पर बन रहे ना। और अगर ये वाला ब्लॉग अच्छा लगे तो यार लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और साथ साथ अगर चैनल पर नए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपके साथ एक ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।